तुम्हारा तुम्हारा बेटा उसका पैसा नहीं दे रहा है तो पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं उसको, पुलिस स्टेशन तो लेके जाओ ना, ओके लेके जाओ। कैमरा चालू है? हाँ हाँ चालू है सर। तो गाइस सीन क्या हुआ कि मेरे स्टूडियो में फ्रॉड हुआ है, एकदम गंदा वाला फ्रॉड है। मैंने एक टाटू किया, टाटू करते करते बंदा को पेमेंट जब मांगा इन लोगों ने, जितने मेरे स्टाफ है इन लोगों ने पेमेंट मांगा, क्योंकि हम लोग फॉर्म भरते हैं हर एक क्लाइंट्स के, क्योंकि हमारे पास वो रजिस्ट्रेशन रहता है और कंसल्टेशन फॉर्म रहता है, क्योंकि कोई भी टैटू करता है तो उसका फॉर्म भरता है, उसका सिग्नेचर लेते हैं, उसके बाद उसका टैटू का अमाउंट क्या है, वो टैटू कौन सा है, हर चीज उसमें मेंशन रहती है। तो उसने फॉर्म भरा पर उसने पैसा नहीं दिया, उसने बोला कि एटीएम जा रहा हूं, और वो इतना स्पीड से भागा, इतना स्पीड से, तो हम लोगों को समझ में नहीं आया कि क्यों भागा। उसके बाद जब वो 3 सेकंड हो गया कि हमें ना क्लिक हुआ कि इसने पेमेंट ही नहीं किया, तब जाके उसको स्टेशन के और मतलब मेरे जितने भी यहाँ पे काम करते हैं वो 2-3 लोग यहाँ पे इस साइड गए घूम, कोई इस साइड गए, कोई लोग स्टेशन पे गए, तो स्टेशन पे वो बंदा मिला 10 मिनट के बाद। जब 10 मिनट के बाद मिला तो उसको हम लोग पकड़ के लेके आए, और वो अभी स्टूडियो में अंदर प्राइवेट रूम में उसको बिठा दिया हम लोगों ने। पुलिस भी आने वाली थोड़ी देर बाद। जो हम लोग मेहनत करते उसकी कोई वैल्यू नहीं करते ना, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तो अभी आप लोगों को उसका चेहरा दिखाता हूँ, वो बंदा क्या है, और उसको पूछते भी है कि उसने क्यों किया ऐसा। तू भी शूट ले, तेरी इज्जत है, इधर दरवाजा बंद किया, हर क्लाइंट है, तुझे भी पता है तूने क्या सोच के तू ये टैटू किया, चोरी की चलानी की, या तेरे अंदर कुछ था कि मैं टैटू बना के भाग जाऊंगा, पैसा नहीं दूंगा, ऐसा कुछ था? ऐसे कैसे भाग सकता हूँ भाई, स्टूडियो है, भागने वाला कैसे ही भागता है, तुझे भी पता है। गाइस अभी क्लियरली बात करता हूँ, नॉर्मल बात है। भाई मेरे पास आया कहाँ से? उल्लासनगर से आया ये टाटू करने। मेरा वर्क कहाँ पे देखता है? यूट्यूब पे देखता है। और भाई का पहले से यहाँ पे एक टाटू था कवर अप, थोड़ा गंदा टाटू था, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला टाटू, यहाँ पे एक छोटा टाटू था जो कवर अप था, और यहाँ पे क्या नाम था भाई? कुणाल। तो यहाँ पे कुणाल नाम था, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला भी मुझे कवर अप करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लाइन बनाया और ये कंसल्टेशन हो गया था। पेमेंट वगैरह कितना बना था बता? मास्क निकलवाए 35,000 पेमेंट था भाई का, और ये टाटू का पेमेंट। तो अभी मैंने यहाँ तक बनाया, आप देख सकते हो यहाँ तक बनाया है, और ये कंप्लीट होने वाला ही है। बट अभी भाई को हम लोगों ने पहले भी भेजा था कि पेमेंट क्लियर करने के लिए एटीएम भेजा था, वो भाई के पास एटीएम था, तो भाई को बोलता है कि उसमें बैलेंस नहीं है, ये नहीं है, ओके। और एक दोस्त क्या रीजन दिया था पता है? रीजन क्या दिया था कि पेमेंट कैसा था? दोस्त आने वाला था ना, इसका एक दोस्त आने वाला है कि कहाँ से आना था? ऐरोली से उसका दोस्त आने वाला है पेमेंट लेके, ऐसे ये बोल रहे हैं। और अभी तक आया नहीं है, अभी तो फोन उसका लगा रखा हुआ, स्विच ऑफ है, नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हम लोगों ने बोला कि तो दोस्त छोटे पर तेरे बैंक से हमें दे दे ट्रांसफर, क्योंकि हमें अपने पेमेंट से मतलब है, तो इसके वजह से मैंने बोला अपना पेमेंट क्लियर कर दे, उसके बाद तू चला जा। तो अभी वो बोल रहे कि मेरे अकाउंट का प्रॉब्लम हो रहा है, सर्वर नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ब्ला 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 ब्ला। तो अभी मैंने उसका बैलेंस एक बार बैलेंस चेक करता हूँ, मैसेज होती है। अभी इसका बैलेंस दिखाया था आपको, आप देखो बैलेंस क्या है उसके अकाउंट में, तो भी आप भी क्लियर हो जाओगे। एक मिनट मैं देखो, क्या मैं दिखाऊं? ये देखो ये उसका है 11 11 11, मैंने अभी चेक किया था, नीचे है क्या? तो यहाँ पे यूनियन है, अरे 11 फरवरी है, तो इसके ऊपर क्लिक भी करूंगा मैं, तो यहाँ पे आ रहा अकाउंट, एक मिनट लास्ट यहाँ पे आ रहा है अकाउंट बैलेंस अवेलेबल 18 रुपए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इसका अकाउंट है, ये लास्ट मैसेज है, लास्ट ये 11 फरवरी का लास्ट मैसेज है, तो ये आप देख सकते हो 18 रुपए उसके अकाउंट में। तो अभी इसके पास पैसे नहीं है, गलत काम कर रहा है, मतलब ये फ्रॉड कर रहा था हमारे साथ, तो हम लोगों ने जगह में पकड़ लिया इसको। और ये मतलब अभी उसका दोस्त को कॉल करके देख मुझे क्या बता मुझे अमाउंट, क्योंकि मैंने अभी तक पुलिस कंप्लेंट नहीं किया, सिर्फ इसको बोला है कि तू सच बोल, तू किस के लिए आया था, तो मेरा काम क्लियर हो जाएगा, मतलब मेरे 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 पेमेंट से मतलब है। तू भाई अभी भी बोल सकता है, कैमरा चालू है, तू किस वजह से आया था और क्या करना चाहता था? तो मैं मतलब मॉर्निंग में जैसे आया तो मैंने वो कवर का पूछा, मतलब क्या हिसाब से अमाउंट कितना बोला ये बता, बाकी जो
35,000 तूने डन बोला, उसके बाद ही तो टैटू करता है, जबरदस्ती तू बना के नहीं है टैटू, मतलब तूने डन किया तब जाके तुझे ये टैटू बनाया राइट, उसके बाद फिर पेमेंट कैसे करेगा, मतलब ये टैटू अभी हो गया तो पेमेंट कैसे करेगा मेरा ये बता ना, मतलब पब्लिक सुन रही है, तू पब्लिक को बता कि मेरा पेमेंट कैसे करेगा, तभी तो मैं बोलूंगा ना भाई, अभी मैं तो थक गया हूँ भाई बोल बोल के कि मेरा पेमेंट है पेमेंट है, ये बोल रहा है कि मेरे बैंक में पैसा है, बैंक में पैसा है, ये सर्वर इश्यू है, वो इश्यू है, वो एरोप्लेन में बार बार डाल रहा था तो इसकी वजह से सर्वर आ रहा था, तो अभी सर्वर निकाला, वाईफाई दिया उसको, हॉटस्पॉट दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ प्रॉब्लम क्लियर हो गया, तभी भी उसके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, हम लोगों को बाद में पता चला कि इसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, गूगल पे ऑन किया तो गूगल पे भी उसको कुछ अलग दिखा रहा है कि बैंक कनेक्ट नहीं है, ये नहीं कनेक्ट नहीं है, तो अभी मेरा पेमेंट कैसे करेगा ये तो बता, तेरा दोस्त तो तेरा उठा नहीं रहा फोन, वो तो मुझे पता है कि ऑप्शन है, वो एक ही ऑप्शन है, ऐसे कैसे भाई तूने टैटू कंप्लीट किया, मैं कैसे तुझे छोड़ू, ये भी तो क्लियर कर, टैटू कंप्लीट हुआ है ना तभी तो तुझे छोड़ना है मेरे को, टैटू कंप्लीट करेगा तो फिर पैसा मेरे को देगा तभी तो मैं छोड़ूंगा ना, मैं तुम्हें पुलिस, लास्ट ऑप्शन है पुलिस है भाई और कुछ नहीं, तो पुलिस स्टेशन जाना है तो मुझे ये बता, तो बाकी मैं क्या, मेरा पैसा मुझे मिल जाएगा पुलिस स्टेशन में, तो जेल में डालेंगे और क्या, तेरे माँ बाप ये बोलते हैं कि मेरे माँ बाप को कॉल मत करो, मुझे मतलब उनको नहीं लगना चाहिए कि मैं दूर से इतना आया वगैरह, और उसके दोस्त को कॉल करने होते हैं बोलता है कि मेरे दोस्त को भी कॉल मत करो वगैरह, और उसको फोन नहीं लग रहा अभी क्या करो बताओ, आप ही इमेजिन बता मैं क्या कर सकता इसके लिए, आंसर क्या तू बता भाई पब्लिक को, तेरा आंसर का ही वेट कर, मास्क तो निकाल भाई, हम लोग भी वैसे ही है, चोर में नहीं होता भाई कोई, ऐसा भी नहीं कि इसने टैटू नहीं किया, टैटू भी आप देख सकते हो यहाँ पे इतना हो गया है, अभी ये मेरा पैसा ही नहीं दे रहा भाई, ये यूट्यूब पे चल रहा है सच्ची बोल रहा हूँ, अरे लाखों लोग देखने वाले, तेरे फैमिली को तू बोल रहा है बता मत, ये फैमिली तक पहुंचेगा, तेरे बाजू बाजू में जितने भी तेरे दोस्त लोग है ना वो मेरे पहचान वाले तो रहेंगे ना, 10 में से 1 जन तो रहेगा, तेरे फैमिली को बताएंगे तो बदनाम ही होगा, तेरे रिलेटिव गांव वाले रिलेटिव वगैरह तो कहाँ से प्रॉपर उल्लासनगर ना, तो भाई तेरे रिलेटिव को भी पहचानेगा, तेरे माँ बाप का नाम खराब होगा तो फिर कैसा बोलेगा, तो क्या इंटेंशन से आया था यहाँ पे बता, ना तेरे पास पैसा है ना तेरे पास अकाउंट में बैलेंस है, तू झूठ बोल रहा है कि मेरे अकाउंट में बैलेंस है, मैंने चेक किया पब्लिक को दिखाया 18 रुपए है, उसके बाद तू बोल रहा है कि इसमें नहीं है, कोटक बैंक में पहली सी कोटक में नहीं है, यूनियन में भी नहीं है, यूनियन में दिखा है ना भाई, यूनियन में 18 रुपए दिखा रहे हैं, सब पब्लिक ने देखा, तो किस में बोल रहा है, ये बोलता है कि 4 दिन पहले मैंने 37,000 डाला था, भाई उसका मैसेज तो आना चाहिए, लास्ट मैसेज उसका 11 तारीख का मैसेज है, 11 फरवरी का, 14 तारीख को बोल रहा है मैंने अकाउंट में डाला था, 14 क्या बैंक वाले जो बैंक को कॉल कर, फिर बैंक वाले को कॉल कर बोल मेरे अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आया, झूठ बोल रहे तो सच बोलेगा, बैंक वाले तो बैंक को क्या करना है, उनको कोई मतलब ही नहीं है भाई पैसे से, वो तो अपना भाई क्लाइंट का पैसा वो अपने पास सेव रखेंगे भाई, कटर उठा बता, मेरा पैसा भाई मेरा इम्पोर्टेंट है भाई, देख मैंने मेहनत की है, मैं कोई भीख नहीं मांग रहा, मैंने अपनी मेहनत के पैसा मांग रहा भाई, और हक बनता है किसी को भी हक बनता है, इसका फॉर्म ले क्या भाई, फॉर्म ये इसका फॉर्म है ना, तो भाई इसका फॉर्म है, ये कुणाल नाम है इसका, ये क्या लिखा भाई, मीर चंदानी ना, कुणाल पी मीर चंदानी, 16 तारीख, आज 16 तारीख है, इसने लायन टैटू बनाया, ये देख सकते हो लायन टैटू, ये देखो लायन टैटू, हम लोग हमेशा टर्म एंड कंडीशन, इसमें सारी टर्म एंड कंडीशन है, जो भी फ्रॉड वगैरह सब कुछ, ये तो डायरेक्ट आप इतना पढ़ो तो नहीं पाओगे, और इसमें उल्लासनगर से आया 7 तारीख दो है, 7 तारीख उसका बर्थडे है, क्या है 2002, ये आप देख सकते हो उल्लासनगर सिटी है, ये उसका सिग्नेचर है, क्लाइंट सिग्नेचर है, ये उसका टर्म एंड कंडीशन फॉर्म है गाइस, भाई तुझे अभी भी बोल रहा हूँ तू मेरा पेमेंट क्लियर कर दे, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, चुपचाप मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, मैं क्लियर बोलता हूँ वीडियो डिलीट कर दूंगा, तेरे हाथों से वीडियो डिलीट कर, तू मेरा पेमेंट क्लियर कर, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं कि टैटू नहीं हुआ है तो भाई मैं कुछ बोल सकता भाई, तू जा टैटू नहीं किया, पर टैटू हुआ है भाई मेरा पेमेंट दे दे, आपने मुझे बोली 70 निकलता है, सुबह बोलता है मेरा करंट अकाउंट के 70,000 वन टाइम मेरा 17,000 निकल सकता हूँ, 70,000 तू क्या भाई अभी तुझे बोलता है तू क्या VIP है,
70,000 कैसे निकलेगा एटीएम से? एटीएम लिमिट पूछा मैंने, लिमिट रहे कितना है? होता है आपने क्या पूछा था कि कितना निकलता है? हाँ मैंने 17,000-20,000 बोला था। अबे 17 बोला उसने, 17,000 मैंने क्या बोला था? एटीएम जाने के लिए आपको मैंने पूछा कि आपका वो एटीएम तो दिखा, एटीएम का है कितना? वही बोल रहा हूं एटीएम सर डालने के, आपने जीरो बैलेंस है तो एटीएम क्यों गया? जिसमें बैलेंस है वो तो फ्रेंड के पास है, तो एटीएम क्यों गया? इस साइड लेना भाई, तुझे बताना पड़ता है क्या? हाँ बता भी, वो बोल रही है कि तेरा अकाउंट में जीरो बैलेंस है तो तू एटीएम क्यों गया? तो होटल में मैंने बाद में देखा था। क्या अभी बोलते है उधर मैंने बैलेंस देखा ही नहीं कितना था? अभी बोलता है जीरो है। तू अभी इतना सोच रहा था कि कोटर में जीरो बैलेंस है, अभी तुम बोला कि था उसमें बैलेंस, तू तो बोला कोटर में बैलेंस है, कितना है कितना है? तेरे को तेरी फिक्र नहीं है भाई, तेरी फैमिली की फिक्र है। अभी भी बोल रहा हूँ तेरी फैमिली ने मेरी मजबूरन तेरे को अभी क्या सोचेंगे कि बहनी तूने ऐसा क्यों किया? अरे ये क्या बहनी, 1-2 हजार नहीं लोगे, कितने लोग तुझे पता है ना, तू देखता है ना वीडियो कितने व्यूज जाते हैं मेरे? मैं अभी बोल रहा हूँ भाई, तू मेरा पेमेंट क्लियर कर, मैं वीडियो डिलीट करता हूँ जगह पे। तुझे लगा होगा कि तू भाग जाएगा टाटू करके, सोचना तो नहीं भाग, आपने भागने वाले ना। पेमेंट मोड क्या है, मैं आपके लिए क्रेडिट कार्ड भी लेता हूँ, करना 1 घंटे के अंदर जो भी रहेगा। अरे घर वाले चिल्लाएंगे तो अभी भी चिल्लाएंगे ना भाई, बोले घर वाले चिल्लाएंगे भाई तूने किया थी। तुझे क्या लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद घर वाले क्या तालियां बजाएंगे, प्यार करेंगे, मेरे बेटे ने बहुत अच्छा कांड करके आया, ऐसे बोलेंगे? भाई वैसा नहीं होता भाई, तू मेरे तेरे माँ बाप को कॉल कर, मैं पब्लिकली सुनाना चाहता हूँ कि तेरे माँ बाप क्या सोचते तेरे बारे में। तू माँ बाप को बता के आया कहीं नहीं? बता कि नहीं आया, मतलब क्या सोच के आया तू? तेरे पास ना बैलेंस है ना पैसा है ना कुछ है, तो तू टैटू करने कैसे आया? फालतू कर ना भाई, क्लियर कर देना। देख यहाँ पे नहीं कॉल करता, पुलिस स्टेशन तो कॉल करना पड़ेगा ना। दो छमान मारेगा ना पुलिस वाले, मुंह देगा भाई, कॉल भी कर पाएगा तुझे, घर पे आना पड़ेगा डायरेक्ट। एक कॉल कर पुलिस वाले, मोबाइल सर महेश बोलते हैं, सॉरी नहीं बोलता, आता जो क्लाइंट है ना तो पैसे देते नहीं है, एंड देन टैटू के लिए। हाँ कौन भी पाठवाना प्लीज। हो समझ ना, संपर्क नंबर कॉल करूंगा। ठीक है ठीक है, मैं संध्याकाळी येतो पण बेटाला। हाँ हाँ चालेल चालेल, संपर्क नंबर कॉल करूंगा, करू क्या करू क्या? तू इतना बता, एक क्लाइंट है जो माझ्याकडून टाटू केले त्यांनी जस्ट अर्जंट, हां पण त्यांनी ना पेमेंट देत नाही, त्याच्या अकाउंट मध्ये काही पैसे नाही, त्यांनी टाटू केलाय, तर काय करू मी? 100 नंबर कॉल करू का तुम्ही? येणार ठीक आहे ठीक आहे, आपल्या स्टुडिओवर आहे, स्टुडिओवर आहे। हो हां बरोबर, तर ठीक आहे ठीक आहे, करतो तेच करतो। ऐका बसवलंय तो काही तो बोलतोय की हा हा असं करतोय मी, हे केलं ते केलं, पप्पांना कॉल करू नका, मम्मीला कॉल करू नका, असंच बोलतोय तो। बरोबर बरोबर, हा उल्हासनगर, उल्हासनगर पेमेंट किती त्याच्याकडे? त्याचं पेमेंट आहे 35,000 आहे, पण त्याच्या अकाउंट मध्ये काही बॅलन्सच नाही आहे, तो ऍक्टिंग करतो एटीएम बीटीएम, झिरो बॅलन्स करतो आम्हाला। नाही हा बरोबर, ठीक आहे ठीक आहे, हो बरोबर 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 बरोबर, चालेल। हा चालेल चालेल, स्पीकर पण आहे का फोन? हॅलो हॅलो हॅलो, सर आपका जो बेटा है, हाँ सर आपका जो बेटा है वो यहाँ पे टाटू स्टूडियो का, मतलब टाटू स्टूडियो में टाटू करने आया है, और वो कोपर के ना स्टेशन के सामने जो टाटू स्टूडियो है वहां पे आया है। हेलो, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ सर?
मैं आपके बेटे का एक टैटू आर्टिस्ट हूँ, तो आपके बेटे ने यहाँ पे टैटू बनाया। आपके बेटे का नाम कुणाल का, हाँ तो कुणाल ने टैटू बनाया, टैटू हाँ, तो उसका पैसा नहीं दे रहा वो, तो वो चोरी के इल्जाम में उसको पुलिस स्टेशन लेके जा रहे है। आपको आना पड़ेगा वहां पे कोपरखेना पुलिस स्टेशन। हाँ टैटू बॉडी पे जो बनाते ना डिजाइन वो हेलो हाँ हेलो चौंद भाई हेलो हाँ हेलो हेलो अरे मैं क्या बुधाओ अरे वो टैटू जो तो उसका पैसा तुम्हारा बेटा उसका पैसा नहीं दे रहा है, तो पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं उसको पुलिस स्टेशन। तो लेके जाओ ना, ओके लेके जाओ। तो आपको भी आना पड़ेगा वहां पे, आपको आना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि आप उसके पापा हो। इसलिए हाँ, तो आपके बेटे ने चोरी की है, तो उसको लेके जा रहे हैं हम लोग। ऐसा बेटा मांगता नहीं आपको? क्यों तो आपके बेटे को आपने अच्छी देना चाहिए था, संस्कार देने चाहिए थे जो उसने बेटे ने आपके आपको देखो आप बिना बत अरे क्या आप आपके उसके पापा हो यार, मतलब आप इमेजिन करो ना किसी के साथ आप ऐसा फ्रॉड कर रहे हो, उसको लग रहा है कि हर जगह वो चोरी करता होगा क्या? तो समझना चाहिए ना, वो बीमार, आप बीमार हो, उसको अक्कल तो नहीं चाहिए कि क्या कर रहा है वो। तो अभी क्या बोलूं बताओ लेके जाओ मैं उसको। ठीक है चलेगा। इसके पापा ने डायरेक्ट बोल दिया है कि इसको पुलिस स्टेशन लेके जाओ। भाई कॉल कर, मेरे नंबर पे कॉल करो, 100 नंबर पे कॉल करो। जो गलत है वो आप लोगों को दिखाया, और सच्ची बोलू ये हर एक शॉप में कहीं ना कभी हो जाता है कि यार छोटी चोरी फिर वो बड़ी चोरी हो जाती है, कोई लोग पकड़ते नहीं है, लोग छोड़ देते, पर हमारे जैसे लोग मिलते हैं तो फिर ऐसा हो जाता है। मेरे स्टूडियो में पहले भी हुआ था एक बार, बट उसको हम लोगों ने पकड़ लिया था, और उस टाइम पे उसने पेमेंट कर दिया था क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे थे। बट ये कैसा था, इसके अकाउंट में पैसा नहीं था, बार बार दोस्त कर रहा था, इसकी वजह से इसको पकड़ा, पुलिस स्टेशन लेके गए। हमारी आर्ट की वैल्यू जिसको नहीं है तो भाई गलत है, फिर उसके बाद गलत होना चाहिए। उसका मोबाइल हम लोगों ने जब भी नहीं किया, हमारे जैसे लोग रहेंगे ना भाई, हम लोगों ने एक बार भी उसको हाथ नहीं लगाया। ऐसे लोग मिलेंगे आपके शॉप में तो प्लीज सावधान रहना, और ऐसे लोगों से, क्योंकि दिखते नहीं है यार ये चोर है सच्ची में, के लिखे नहीं आते, तो प्लीज आप कोई भी शॉप रहेगा या आपकी कहीं भी जाते होंगे रस्ते पे, तो प्लीज सावधान रहना। बस इस वीडियो से आपको यही बोलूंगा, हमारे साथ हुआ हुआ आप लोगों के साथ कभी नहीं होना चाहिए। बस जैसी जिंदगी आप जी रहे हो खुशी वैसी जिंदगी आगे भी जी लो। चलो बाबा यार, ये वीडियो कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे वीडियो कभी अपलोड करूंगा, बट डालना पड़ा, क्योंकि इस वीडियो से शायद कभी इन फ्यूचर मेरे साथ कभी और भी हादसा होगा, तो फिर कभी होगा नहीं, फिर ये वीडियो देख के कोई करेगा भी नहीं। बाबा यार।